चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले देख लीजिए फटाफट खबरें। चीन में बढ़ते कोरोना को देखते हुए भारत ने पहले से कसी कमर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज बुलाई बड़ी बैठक। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने की अपील। कांग्रेस बोली, राहुल की यात्रा से डर गई है सरकार। बिहार के सारण में एक मुखिया के गोदाम पर आबकारी विभाग का छापा, गोदाम से 80 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त करने का दावा। बिहार के गया में शराब माफिया के खिलाफ आबकारी विभाग की छापेमारी, ड्रोन और डॉग की मदद से अवैध शराब की तलाशी का सिलसिला जारी। शराब कांड पर एबीपी न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। छपरा के महरौली गांव पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय, पीड़ितों के परिवार ने एबीपी न्यूज से साझा किया अपना दर्द। बिहार में जहरीली शराब से मौत के मामले की जांच के लिए छपरा पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम, पीड़ित लोगों से की बातचीत। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के दौरे पर भड़के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा यह सरकार को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा है, इन लोगों के अधिकार में ही नहीं है बिहार आना। छपरा शराब कांड में मृतकों के परिजन को मुआवजे की मांग को लेकर बीजेपी का महाधरना, पार्टी के सभी नेता, विधायक और विधान परिषद सदस्य मौजूद रहे। चार्ज संभालते ही एक्शन में बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी, सुबह 11 बजे बुलाई हाई लेवल मीटिंग, सूत्रों के मुताबिक कानून व्यवस्था पर होगी चर्चा, सभी आईजी और डीआईजी बैठक में होंगे शामिल। शराब घोटाले को लेकर एबीपी न्यूज के स्टिंग पर बोले तेजस्वी यादव, कहा एक एजेंडा फिक्स हो जाता है बदनाम करने के लिए, स्टिंग में बिहार के नेताओं ने खोली थी शराबबंदी की पोल। चिराग पासवान ने संसद में उठाया अवैध शराब पर एबीपी न्यूज के स्टिंग का मामला, एबीपी न्यूज की तारीफ करते हुए कहा बिहार में शराबबंदी का सच सामने लाया गया। बिहार के छपरा में जेडीयू नेता के घर में रहने वाले किराएदार के घर से देशी और अंग्रेजी शराब बरामद की गई, पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। तवांग विवाद पर संसद में चर्चा कराने की मांग पर अड़ी कांग्रेस का प्रदर्शन, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के सभी सांसद शामिल हुए, कांग्रेस ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। कांग्रेस ने तवांग विवाद के मुद्दे पर लोकसभा में किया हंगामा, थोड़ी देर के लिए कार्यवाही स्थगित रही, कांग्रेस ने की तवांग पर चर्चा कराने की मांग। राहुल गांधी के सेना को लेकर दिए बयान पर बीजेपी का हमला तेज, बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा राहुल ने अपने बयान से सेना का मनोबल तोड़ा है, कांग्रेस चर्चा से बच रही है। गीतकार मनोज मुंतशिर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा विदेशी महिला की कोख से जन्म लेने वाला व्यक्ति देशभक्त नहीं हो सकता। खड़गे के बयान पर बोले रामदास अठावले, कहा बीजेपी के लोग भी आंदोलन में शामिल रहे हैं, यह कहना ठीक नहीं होगा। खड़गे के बयान पर बोले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन, कहा उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, फिर माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। राहुल गांधी के प्यार की दुकान वाले शायराना बयान पर नरोत्तम मिश्रा की चुटकी, कहा राहुल को एमपी पहुंचने पर कमलनाथ और दिग्विजय में नफरत दिखी। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक शिवराज सरकार निकालेगी विकास यात्राएं, प्रभारी मंत्री होंगे करेंगे ज्यादातर दौरे। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान, आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए काम करूंगा ये कहा। स्मृति ईरानी पर आपत्तिजनक बयान देने वाले कांग्रेस नेता अजय राय के खिलाफ सोनभद्र में एफआईआर दर्ज की गई, महिला आयोग ने 28 दिसंबर को किया तलब। स्मृति ईरानी ने अजय राय के बयान के बहाने गांधी परिवार पर साधा निशाना, कहा गांधी परिवार को गंदी भाषा पसंद है, संस्कार ही यही है। उत्तर भारत में दिखने लगा कोहरे का असर, दिल्ली एयरपोर्ट पर इसके साथ ही चंडीगढ़, लखनऊ और वाराणसी से 3 फ्लाइटें वापस लौटी। कोहरे की वजह से ट्रेनों पर भी पड़ने लगा है असर, उत्तर भारत से होकर गुजरने वाली 48 से ज्यादा ट्रेनें 2 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। हरिद्वार में कोहरे के कारण ट्रेनों पर सबसे ज्यादा असर नजर आ रहा है, यात्रियां घंटों स्टेशन पर इंतजार करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद गिरा मौसम का पारा, डबराणी से लेकर गंगोत्री तक कई झरने और नाले जमे। मजबूरी है, हम क्या
क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।